हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रेबिस टेस्ट, जिसको हम हायर रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। अगर आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद आप रेबिस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। अगर मेरी UN एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हायर रेशियो टेस्ट के लिए मुझे करना पड़ेगा कि मुझे लेना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू एन बाय वन। वहां पर UN प्लस वन बाय UN का रेशियो लेते थे, यहां पर एक अलग चीज आ जाती है -1। ये पूरे को जब मैं लिमिट लगा दूंगा, सॉल्व करूंगा तो एक लैम्डा आएगा। अगर मेरा लैम्डा ग्रेटर देन 1 है तो मेरी सीरीज कन्वर्ज होती है। लैम्डा मेरा लेस देन 1 है तो डाइवर्ज होती है। बहुत सिंपल टेस्ट है। जैसे कि आपका पुराना टेस्ट था, उसमें आप खाली UN प्लस 1 UN का रेशियो लेते थे लिमिट का। वो अगर आपका फेल हो जाता है तो उसके बाद आप ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, हायर रेशियो टेस्ट, और चेक कर सकते हैं कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखते ही अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें UN मेरा चल रहा है वो इस तरह चल रहा है, 1 देन 4 देन 7, बढ़ता रहेगा। ये इस तरह से बढ़ रहा है, 3N-2 के हिसाब से बढ़ रहा है। और इधर 3 देन 6 देन 9, 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, 3N बढ़ रहा है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है। अब क्या है, इसको देखूंगा, मेरे को लग रहा है सिंपली मैं कोई भी नॉर्मली रेशियो टेस्ट लगाने की सोचेगा सबसे पहले, इस पर रेशियो टेस्ट लगाता हूँ मैं। मान लीजिए तो UN+1 डिवाइडेड बाय UN, जब इसे लगाऊंगा मैं तो आप ये करके इजीली देख लेंगे कि 3N+1 बाय 3N+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब UN+1 लिखूंगा तो वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस इधर 3N+1-2 हो जाएगा और इधर नीचे 3N+1 आ जाएगा। तो ये जो एक फैक्टर है ये अलग बच जाएगा, 3N+3 और 3N+1, बाकी सब आपस में कट जाएंगे। अब इसमें लिमिट लगाता हूँ मैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3+1/n। सॉरी, 3 यहाँ से बाय 3/n, दिस विल बी इक्वल टू ये 0 ये 0, 3/3 विल बी 1। तो अब मेरा रेशियो टेस्ट फेल हो गया है। तो रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद अब मुझे रेबिस टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो अब मैं रेबिस टेस्ट लगा के देखता हूँ। सो अब रेबिस टेस्ट लगा रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन UN UN बाय 1 का रेशियो एक बार चेक कर लेता हूँ। हो जाएगा 3N+3 3N+1 होल स्क्वायर -1। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा लिमिट एन। इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद आप ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं खुद से, ये आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, 2 कॉमन, N 6 6+4/n आ गया,
एन को कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड से, 3 + 1 / n होल स्क्वायर, ये जीरो, लिमिट्स लगाने के बाद आपका आ जाएगा 4/3। सो अब 4/3 जो मेरा आया है, चेक करूँगा कि ये मेरा 1 से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो जो मेरा रैबिस टेस्ट है उसके हिसाब से आपकी सीरीज कन्वर्जेंट आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा नया क्वेश्चन, 3/7 × 3 × 6 × 7 × 10 ×² इसी तरह से सीरीज चल रही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक्स आएगा तो कभी कभार ऐसा हो सकता है जब रेशियो टेस्ट आप ले रहे हो तो जो आपका के आए वो एक्स वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तो आपको एक्स की सारी कंडीशंस लेकर चेक करना होता है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले सबसे पहला स्टेप मेरा, मैं यूएन लिख लेता हूँ कि क्या होगा। कुछ नहीं, 3, 6, 9, तो मुझे दिख रहा है पैटर्न, 3n का पैटर्न बन रहा है। अब नीचे 7, 10, 13, ये पैटर्न बन रहा है 3n + 4 का, और एक्स का पैटर्न है कि एक्स की पावर एन में बढ़ रहा है एक्स। अब मैं रेशियो टेस्ट लगा लेता हूँ, रेशियो टेस्ट लगाता हूँ अपना। सबसे पहले तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un + 1/un, अगर इसको करूँगा n+1, देखता हूँ un+1, तो उसमें कुछ खास नहीं होगा, एक 3n+1 ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, और इधर से 3n+1 + 4 ये पूरा एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और इधर एक xn+1 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। उनका जब रेशियो ले लूँगा तो कुछ खास नहीं ये बचेगा, 3n+7 जो एक फैक्टर ये यहाँ पर एक्स्ट्रा आया था, जो ऊपर यहाँ एक्स्ट्रा आया था, इधर एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। इसके आगे मैंने इस तरह से ले लिया है 3 + 3/n, 3 + 7/n इसको इंटू एक्स। अब लिमिट लगा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा, 3/3 रेशियो आएगा तो वो 1 बन जाएगा, इसलिए मेरा आंसर में एक्स आ जाएगा। तो रेशियो टेस्ट से मेरा के जो आया है वो एक्स आया है, मतलब एक वेरिएबल आया है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि भाई मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तब जब एक्स मेरा लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट होगी जब एक्स इज ग्रेटर देन 1 है। ये दो मैंने लिख दिए, पर अगर मेरा एक्स इक्वल टू 1 होगा तो मेरा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब उसके लिए एक्स इक्वल टू 1 कंडीशन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ रैबिस टेस्ट। एक्स इक्वल टू 1 के लिए सब मैंने लगा दिया है एन, un/un+1 - 1 यहाँ तक लगा दिया है। इसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4n 3n + 3, दिस विल बी 4/3। लिमिट्स लगा लूँगा सिंपल, मेरा 4/3 आ जाएगा। अब 4/3 इज मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो मेरी सीरीज जो है दैट विल कन्वर्ज एट x = 1। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है कभी बार, जैसे मान लीजिए x = 1 पे मेरा यहाँ पे फंस रही थी सीरीज, तो मैंने
हायर रेशियो टेस्ट लगाया ताकि मैं एक्स इक्वल टू वन की कंडीशन ही जांचूं, या फिर मैं शुरू से भी पूरा कर सकता था, शुरू से ही पूरा टेस्ट ही लगाता, बट ये टेस्ट में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा माइनस वन ये इधर सीधा आपको रेशियो लेना पड़ता है, तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। तो पहले आप रेशियो टेस्ट ही लगाएं हर क्वेश्चन में जो भी आपको दिखे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि और बच्चों को भी ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लें। रैबिस टेस्ट कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है। ये तभी आप यूज़ करेंगे जब आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, कोई कंडीशन चेक करनी है मान लीजिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप शुरू से भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है रेशियो टेस्ट से। तो आप पहले रेशियो टेस्ट लगाएं, फिर उसके बाद अगर कहीं आपकी कोई कंडीशन वेरिएबल में फेल हो रही है, या फिर पूरा का पूरा रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, तब आप रैबिस टेस्ट को यूज़ करें। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।